जय हिंद हिंदुस्तान। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा एक ऐसा मूलभूत अधिकार जो हमें हिंदुस्तान का कोई नेता, राजनेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देती है, बल्कि ये हमें दिया है हमारे बहुत ही खूबसूरत संविधान ने। इसी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके कई बार बड़े बड़े नेता हिंदुस्तान के अर्थ का अनर्थ बोल जाते हैं और हिंदुस्तान की जनता को तो कुछ भी बोल देते हैं, और आपस में भी जिस तरीके की शब्दावली एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको अगर आप सुनेंगे तो कान में से खून निकलने वाली बात हो जाती है। हिंदुस्तान के जो हमारे जवान हैं उनके बारे में जिस तरीके की घटिया और गंदी बातें बोली जाती हैं, उस वक्त काश इनको ये रियलाइज हो जाए कि ये इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए अपना काम, अपनी नौकरी, अपना कार्य करने वाले एक पत्रकार को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है, वो भी उस केस में जो कि 2019 में बंद कर दिया गया था, जिसकी क्लोजर रिपोर्ट भरी गई थी। और आज मैं आपसे उसी क्लोजर रिपोर्ट के कुछ अंश की बात करने के लिए आई हूं। क्लोजर रिपोर्ट जो भरी गई थी 2019 में, उसके विषय में इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, कुछ चीजें उठा करके जो महत्वपूर्ण है उनको आप लोगों के सामने लेकर के आ रही हूं। इंडियन एक्सप्रेस ये कोट करता है, ये कहता है कि इंस्पेक्टर सुरेश जिन्होंने इस केस की क्लोजर रिपोर्ट भरी थी, इसमें साफ उन्होंने बोला था कि इस पूरे केस के अंदर अन्वय नायक और उनकी माताजी का जो आत्महत्या का जो केस है, इसमें कहीं पर भी किसी को भी सुइसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई भी सबूत नहीं है। आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई भी सबूत नहीं है, नोट कीजिएगा। उसके बाद जो बहुत बड़ी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात इस क्लोजर रिपोर्ट में लिखी है और इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है, वो ये है कि अन्वय नायक ने अपने को समाप्त करने से पहले अपनी माताजी का गला दबाया था। अपनी माताजी का गला दबाया था। आप समझ रहे हैं किस केस के पीछे कितना झोल है, कितनी कहानी चल रही है। और ये क्लोजर रिपोर्ट के जो अंश हैं, ये सारा कच्चा चिट्ठा खोल देती है उस चीज का जो आज मुंबई के अंदर मुंबई की पुलिस और सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो सुइसाइड नोट है उसमें लिखा गया है कि 83 लाख उनको मिस्टर अर्नब गोस्वामी से लेने थे। अब मिस्टर अर्नब गोस्वामी जी का जो बयान था उसमें था कि 85-90% पेमेंट वो 2017 तक कर चुके थे, ऑलरेडी उनको कर चुके थे। 10% जो था वो रिटेन करके रखा था जो काम की समाप्ति के बाद देना था। मैं एक आर्किटेक्चरल फर्म चलाती हूं और मैं आपको बता रही हूं ये इस काम के नियमों में से एक महत्वपूर्ण नियम है। आपका 10% एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसका भी आप काम करते हो उनके द्वारा रोका जाता है। आपके काम में कोई कमी पेशी निकल आती है, कहीं कोई टूट फूट हो जाती है या आप काम कंप्लीट नहीं करते हो, उसके लिए रोका जाता है। और जब आप पूरी तरीके से उसको समाप्त कर देते हो तो आपको वो काम का पैसा जो 10% रुका हुआ है वो कायदे से मिल जाता है, मिल भी जाना चाहिए और हो जाता है वो काम। देखिए अब आप समझिए कि ये कहानी क्या है सारी की सारी। ये जो व्यक्ति है मिस्टर अन्वय नायक, इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था, ये बहुत ही बड़े वित्तीय संकटों से गुजर रहे थे काफी सालों से, और 26 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा था, 26 CR का इनके ऊपर कर्जा था। इन्होंने कई तरीके के लोन लिए हुए थे और उन लोन को ये रिपे नहीं कर पा रहे थे, उनकी EMI नहीं भर पा रहे थे, उनको किसी भी प्रकार से वापस नहीं कर पा रहे थे, ये इंडियन एक्सप्रेस आदि भी बोलते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति जो 26 करोड़ के कर्जे में है, जो अपने इतने सारे लोन ले लेते हैं और उसके बाद उनको वापस नहीं कर पाते हैं, और अर्नब गोस्वामी के पास उनका जो बकाया उनके हिसाब से था वो 83 लाख था, तो 26 करोड़ 83 लाख, और क्लोजर रिपोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी उकसाने का आत्महत्या के लिए कोई सबूत नहीं है। 10% ये था जो रूल्स के हिसाब से ही है, रूल्स में होता है इंटीरियर और आर्किटेक्चरल के। अब मुझे आप ये बताइए और हम सबको ये समझना है कि एक तो ये ड्यूल सुइसाइड का केस नहीं, उन्होंने अपनी माता जी को स्वयं मारा, और किस तरीके से इस केस में लिखा गया झूठ वो। और अब आप समझिए कि अर्नब गोस्वामी अंदर क्यों है, पता नहीं क्यों है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है? समझ आ जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं सच में ये चीज स्वतंत्र भारत के अंदर, इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर, एक राज्य में ये कहानी समझ नहीं पा रही। धन्यवाद।